हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ओर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो आकाश गुप्ता के चैनल से जो नया वीडियो है स्टैंड अप कॉमेडी छीक, तो उसे हम देखेंगे। मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं। तो देखते हैं क्या आया है, क्या क्या मतलब क्या मसाला है कॉमेडी में, कितना कॉमेडी है वो भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, मजा आएगा। What can you bring in entertainment? I'll give you massage. मजा आ गया है हमें घूम के। एक रोश कर ले। क्या बात? किसको? कैरी को। कैरी यार मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई थी यार। आपकी कैसी गई? मेरी कोविड से बहुत फटती है, ठीक है। मतलब मुझे दो बार हो चुका है, मैं वैक्सीनेटेड भी हूँ, फिर भी मेरे आसपास कोई छींक दे तो मैं डर जाता हूँ थोड़ा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लड़कियों के आसपास रहूँ। दो बार? क्योंकि लड़कियाँ बहुत तमीज से छींकती हैं। ये वाला छींक ना, तो छींकती नहीं वापस अंदर ले जाती हैं, ये रोक लेती हैं। कुछ पावर्स होती हैं इनमें यार। मेरी एक फ्रेंड है, उसको छींक आती है वो जोन में चली जाती है। एक सेकेंड, गई। मैं क्या आत्मा बुलाई थी क्या? मैं तेरे सामने बैठा, मेरी फटगी यार, क्या हो गया तुझे? छींकते तो है भाई हम लोग लड़के लोग, ये पूरा बिल्डअप होता है छींक के अंदर। मेरे स्कूल लाइफ के एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मेरे तीन दोस्त बैठे हुए थे और टीचर कुछ पढ़ा रहा था, मतलब जियोग्राफी क्लास था, तो सब्जेक्ट मतलब याद नहीं लेकिन जियोग्राफी क्लास था। तो बैठे हुए थे और मन नहीं लग रहा था, तो एक बंदे ने मतलब दोस्त लोग थे, एक बंदा पूरा बिल्डअप ले रहा था, ऐसा छीका ना भाई। टीचर मतलब घूम के लिख रहा था बोर्ड पे और मतलब मुंह से बोल रहा था और लिख रहा था, बल रहा था। मतलब मेरा हिंदी बहुत ही मतलब इधर उधर होता है, मेरा हिंदी सही नहीं है। तो जो भी है वो बोल रहा था मुंह से और लिख रहा था बोर्ड पे, उसने इतना जोर से छीका हक करके, मतलब टीचर ऐसा डरा ना, मतलब झटके से उठा। मतलब उसको एक कहते हैं ना छोटा सा हार्ट अटैक हो गया था टीचर को, छोटा सा लेकिन हार्ट अटैक हुआ था उस दिन। जितना डर के उठा और फिर उठ के निकलो, तीनों को, हम तीनों को निकल दिया, क्योंकि मैं तो भाई हंस रहा था। मतलब बहुत मतलब लड़के लोग छींकते तो भाई वो बहुत ही कॉन्शियस होती कि ना पब्लिकली छींक ना निकल जाए मेरी, लेकिन कई बार आप नहीं रोक पाते। तो एक बार हम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, करती मैंने क्या हो गया करी, मैं खुल के छींक फेफड़े फट जाएंगे तेरे, ये आंखों के डेले बाहर आ जाते हैं भाई छींक रोकने से। और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है, सॉरी, ओ गॉड, ओ फादर आई हैव सिंड। और मैं साइड पे बैठा हूँ, मैंने कहा I'm like, sorry, क्यों? छीक बाहर ही नहीं है। भाई छीक बाहर आती है, दूसरे का मुंह गीला होता है, फिर आप सॉरी बोलते हो ना यार। What are you sorry about? बल्कि मेरी प्रेजेंस की वजह से। अरे मुझे आज ये मतलब क्लिक हुआ कि वहाँ पे जो दस स्काई गुप्ता है वो उसका आकाश नाम का जो इंग्लिश मीनिंग होता है स्काई, वो चिपका हुआ है। मैं वही सोचता हूँ तो स्काई गुप्ता क्या है, मतलब क्लिक नहीं हुआ था, आज देखते देखते उधर आ गया तो पता लगा, मतलब दिमाग में आया। आई एम सॉरी, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, तू अकेले में बैठ के अच्छे से अच्छी तो कर ले। ये कैसी जिंदगी जी रही है यार, इतना घुट घुट के। और ये हम लौंडो को छींकते देख लो, हम आदमियों को हमारी छींक नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है, बिल्डअप होता है। अंकल को हरिओम माता रानी रक्षा करे। क्या परफॉर्मेंस अंकल, आप मुंबई आ रहे हैं? रेमो सर ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया अंकल आपको, गीता माँ भी कुछ कहना चाहेंगी आपके इस परफॉर्मेंस पे। गीता माँ फुल सेंटी हो रही है। मैं 20 साल से इस फील्ड में हूं, मैंने बहुत छीके देखी, कुछ तो मैंने कोरियोग्राफी करी, पर आज पहली बार है जब मेरी आंख में आंसू
और मेरे मुंह पे थूक दोनों एक साथ। योर परफॉर्मेंस हैज टच्ड मी लिटरली। ये देखिए आप, कम ऑन गिव मी अ हग। आप गीता लिटरली बहुत बुरी तरह चीखते हैं दिल्ली में अंकल लोग, पर मैं ना किसी को जज नहीं करता, सबका चीखने का एक तरीका। दिल्ली क्या भाई, पर दिल्ली के अंकल सब लोग ये गेम्स खेलते हैं हमारे साथ। जैसे एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, मैं बैठा हूं, मैं साइड पे अंकल बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, सडनली अंकल क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रही है, आ रही है क्या क्या कर दे यार तू, मैं तीन स्टेशन से वेट कर रहा हूँ, मैंने अपना गाना पॉज करके रखा हुआ है, मेरा एक आफरीन हो गया, दूसरा आफरीन ही नहीं हो रहा है। नहीं बेटे आप ओवर रिएक्ट कर रहे, बुड्ढे मैं रेडी नहीं था, कुछ रूल्स थे हमारे बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी कुछ यार। मैं ट्रेन से निकला, वहां प्लेटफॉर्म पे एक अंकल रनअप ले रहे हैं, क्या चल रहा है, तो मैं वहां से भागने लगा, सडनली अंकल रुके और अंकल ने से हाथ डाला और हैंकी निकाला, मैं तो इम्प्रेस हो गया, मैं कहा वाह तमीज़दार अंकल। अब अंकल हैंकी के साथ रनअप ले रहे हैं और जैसे छींक आई मैं बुड्ढे ये हैंकी का छलावा क्यों किया तूने हमारे साथ, ये है क्या था हा? हम भाग जाते ना इससे अच्छा, तूने हमें ट्रस्ट दिलाया कि तुझे हमारी भी चिंता है यार। एंड इवन आफ्टर दिस अंकल खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं, नहीं बेटे रात को कुल्फी खा ली थी, बहुत सर्दी हो गई। मैं कहा मेरे मुंह पे एक लीटर थूक है अंकल आपने, आप सॉरी बोलना चाहेंगे? वो लड़की साला ठंड लग रहा है भाई, ठंड लग रहा है। ये चीकू का गरबा खेल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी भी नहीं फील हो रहा है यार इनको। हमारी देखो चीक होती है बहुत डिस्ट्रक्टिव है मर्दों की। आई विल गिव एन एग्जांपल, आप लोगों ने फीमेल हैंकी देखा कितना प्यारा होता है, देखा कभी फीमेल हैंकी? ये देखो ये किसका उठा के लाए हुए, अपनी बंदी का होगा, इस पे खुश हो गए कि हैंकी लेके आए। ओ हैंकी, हाँ हैंकी। तो इस पे आप देखो बॉर्डर बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, कितना स्वीट, कितनी प्यारी चीज़। इसको गंदा करने का मन ना करें, पता है ये डिजर्व नहीं करता है। मेरा नाक भैरव मैं ऐसा कर लूँगा, इस पे नहीं लगाऊंगा, इतनी इतनी अच्छी चीज़ बनाई है। और हम मर्दों के हैंकी देखें, चद्दर ले लो भाई, चद्दर का टुकड़ा। ये क्या साइज है, रेल के चद्दर का टुकड़े है। ये किसको ठीक आ रही है इतनी बड़ी, लंगोट बना लूं इसका, मैं क्या करूं, ये घूंघट बना। दोस्तों दुल्हन की एंट्री हो रही है, दिन शगना दा चढ़ना आओ सखियों नी। इस गाड़े पे कितना सारा रील हुआ है, और हमारे में लगा दो बॉर्डर यार, हमारे में फूल पत्तियां लगा दो, ऐसा लग रहा है मनुष्यत कुछ घर पे गलत हो गया किसी के, मतलब ऐसा रुमाल का डिजाइन है ये, रेल के चद्दर के टुकड़े है भाई। पर होता है यार ये बहुत, जैसे आप कहते थे स्कूल में लौंडे करते थे, हाँ हाँ हम भी करते थे, ये फुल डिस्ट्रक्शन। अब आप यहीं देखते रहोगे, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता है हमारे रुमाल से ना गोला बन जाते हैं, तो सब लोग यहीं देखते रहते हैं। ना भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होने पर देखो ऐसा भी नहीं है, मैं तब से बोल रहा हूँ मर्द ऐसे सीखते हैं, औरतें ऐसे सीखते हैं, बहुत सारी औरतें भी लाउड चीकर्स होती हैं, चीकर्स ठीक है, हाँ सारी लड़कियां हैं छू छू नहीं, बहुत तेज छींकती हैं कुछ लड़की, पर मैंने देखा जब कोई लड़की औरत तेज भी छींकती है ना, उनकी छींक में ना एक भद्दापन नहीं होता जो मर्दों की छींक में होता है। मैंने कभी औरतों को करता नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा भाई, आज तक तो नहीं देखा। हां मेरी मम्मी घर पे ऐसे छींकती है, मुझे रॉकेट किसने छोड़ा घर में भाई साहब, मैं हूं बेटा हेश,
को वाओ मम्मी दैट्स म्यूजिक, एक बार बीट बीट पे देना, बाजरे दा सिट्टा हिशा बाजरे दा सिट्टा नहीं है, क्या बात है, तुम क्या भजन मंडली वाले यार है, सिंग अलोंग कर रहे हैं सारे, क्या चल रहा है यार ये, मजा आया था बीच में कोई खड़े होके पर मैंने देखा मुझे लड़कियों के नेचर का सबसे अच्छा पार्ट लगता है, आप किसी रैंडम स्ट्रेंजर लड़की के सामने छींक दो, हच गॉड ब्लेस, कौन थी कौन देगी गॉड ब्लेस, चलते फिरते सड़क पे गॉड ब्लेस मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है भाई, गॉड ब्लेस एक दूसरे को, हां भाई दूसरे मुंह पे छींक के हंसते, हच अरे भाई अंकल लोग नहीं देखा कभी गॉडलेस, उनको तो अपनी लगी रहती है, खुद ही छींक मारते हैं, हच माता रानी मेरी रक्षा करे मैं बच जाऊं सेल्फ ब्लेस वो वाला बहुत ट्रू था भाई, गॉड ब्लेस ब्लेस यू ठीक के हंसते हैं, तो जितने भी यहां सिंगल लौंडे हैं ना, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है ठीक है, और तुम्हें समझ नहीं आता ना कि फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करें, छींक दो, हाँ बहुत सही काम करता है यार, जैसे सामने सुन लड़की आ रही तुमने छींक दिया, हाँ गॉड ब्लेस आकाश, गॉड ब्लेस आकाश मैंने छींका था, नाइस टू मीट यू, ये गॉड ब्लेस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, बट मैंने रियलाइज किया कि जितने भी ऐसे पब्लिकली ग्रोस काम है ना, सड़कों पर हगना मूतना छींकना, ये मोस्टली हम मर्द ही कर रहे हैं, एकदम कैजुअली करते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, मैंने बहुत रेयरली औरतों को सड़कों पे ये सब करते हुए देखा यार, और ऐसा नहीं कि उनको सुसु पॉटी नहीं आती, मर्द तो होते ही साला शेमलेस है, आता सबको है, ये रोक लेती है, ये हमारे अंदर पता नहीं क्या है जो कंट्रोल नहीं हो पाता है, जहाँ हमें अंधेरा दो तीन खंभे दिख जाए ना, हाँ हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, भाई बियर भी आधा घंटा हो गया यार थोड़ा सा कर ही लेते हैं यार, पता कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ, हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और हाईवे पे मम्मी गाड़ी रुकवाए, बेटा रोका मुझे खेत में मूतना, छी कभी नहीं होता है, पापा चलती गाड़ी से भग जाते, बट दो मिनट में आया, दो मिनट में टोल प्लाजा से रोके रखा हुआ था, फास्टैग लगा दिया फिर भी इतना टाइम लगाते हैं, अरे भाई सर सुनो एफएम सुनो बेटे, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, टंकी खाली हो रहा था ना, करते रहेंगे हाँ सेट करना होता है, अच्छा यार और पहना तो वही ठीक कर लो ना, मेरा व्यू क्यों खराब कर रहे हो, आप सोचो आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, आपने एकदम वाइब आ रही है, एकदम गाड़ी में गाने चल रहे हैं कि इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं काफिराना सा है इश्क है या क्या है, एंड यार लेकिन पीछे यू टर्न मार लिया घर चले आ रहा हूं, फ्लाइट से चल लेंगे, ये व्यू नहीं देखना मुझे यार प्लीज, मेरे साथ ना एक बार इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, मैं ना गुड़गांव में था, वहाँ पे एक मार्केट है सेक्टर 29 करके, जहाँ पे बहुत पार्टियाँ होती है ना, मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगता है जो आकाश गुप्ता बीच बीच में जो पॉज लेता है, ऐसा लगता है कि मतलब बंदा उधर ही बना रहा है उधर ही दे रहा है, मतलब एकदम स्टैंड पे पका के दे रहा है ऐसा लगता है, बहुत लोग जो रैपिड चलते रहते मतलब ये आकाश गुप्ता भी ज़रूर अपना स्क्रिप्ट रेडी करके फिर उसको रट्टा मार के फिर रेडी फेडी होके आते हैं, लेकिन फिर भी जो डिलीवरी होता है जो मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में जो आप डिलीवरी देते हो इनका डिलीवरी बहुत मतलब प्यारा होता है, जो बीच में पॉज आता है फिर एक स्टार्ट होता है बहुत मधुर होता है मधुर, पर वहाँ ना पार्किंग नहीं है ढंग से, तो पार्किंग के लिए आसपास मैदान और ग्राउंड्स बने कि कहीं भी लगा दो आप अंधेरे में, तो एक बार मैं गाड़ी पार्क कर रहा था एक अंकल मेरी गाड़ी के सामने मूत रहे हैं, वो तो मैंने ना जज जज नहीं किया, मैंने ठीक है रात का टाइम है मिट्टी गीली कर रहे हैं करने दो, पर एक तरीका होता है जब आप पब्लिकली सुसु करते हो ना बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कि अंकल पी रखे थे भाई पी रखी थी एकदम मेरी गाड़ी के सामने यार, अंकल ने पी रखा था उस दिन हाई बीम पे थी और अंकल भी हाई बीम पे थे भाई तो मैंने जो देखा ना मेरी रूह काम की, मैं बता रहा हूँ आपको मेरे तो पैनिक अटैक पड़ गए, मैं कहा है चीची क्या देख ली है ची
मेरे से हॉर्न दब गया, वाइपर चल गया, लाइट नहीं बुझ रही मुझसे। मैं इतना नर्वस हो गया, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा यार। मैं नर्वस हूँ अंकल चिल। अरे बेटे लेफ्ट वाला घुमाओ, ह्यूंडई में उल्टा होता है। कमाल है थोड़ा। अरे डिपर क्यों मार रहा है, क्या कर रहा है? सुसु कर रहे हैं बेटे अंकल। हेलो हेलो हेलो, अरे खत्म हो गया। अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मैं फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ रहा हूँ अपना शो परफॉर्म करने। जी हाँ, मैं पहली बार यूएस आ रहा हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूएस में रहते हैं तो प्लीज मेरे शो पे आइए। ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। इनकी टिकट्स आपको मिलेंगी नीचे एक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में, टिकट लिंक है उस पर क्लिक करके। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अरे ना भाई, ये मत कर देना, ये एक्सेंट मत ले लेना। लौंडे करते थे। फुल वायलेंस। अब आप लोग यहीं देखते रहोगे। एक ये बड़ी प्रॉब्लम है यार हमारे रुमाल के साथ, ढंग से फोल्ड ना करो यहाँ गोले बन जाते हैं। इतना अजीब लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे हो, लोग घूरना शुरू कर देते हैं। भाई साहब शर्म कर लीजिए, लेडीज लेडीज आस पास। और आप तो सारे रुमाल है यार, चलती ट्रेन में नहीं हो जाता है। नाइस नाइस नाइसली डन आकाश भाई, मजा था। हाँ थोड़ा कम था डोज जो जनरली मिलता है आकाश भाई की वीडियो से, वो थोड़ा कम था, लेकिन अच्छा था। ओवरऑल एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी था, लेकिन जो पहले वाला पहले पहले जो होता था, वो जो प्यूब वाला, जो मतलब लड़कियों के सामने कुछ बोलो तो उनको भी आ जाता है, मुझे टाइटल याद नहीं है, लेकिन वो एक स्टैंड अप कॉमेडी था, मैंने देखा हुआ था, बहुत मस्त था भाई वो वाला। था मतलब क्या बोले, मेरे जितने भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखा हुआ है उसमें मैं शायद टॉप थ्री में रखूँगा वो वाला, बहुत मस्त था। और मेरा टॉप थ्री में और एक है, वो वाला बस्सी वाला है, बस्सी का जो वो अब्दुल के साथ जो था वो, मतलब अरे क्या कहते हैं उसको, फ्रिज लेके जा रहा था, फिर उसने फ्रिज ऊपर से फेंक दिया, तो उसने वो स्टार्टअप नहीं तो नहीं है शायद, याद नहीं, लेकिन उसका टाइटल याद नहीं है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सा वाला कह रहा हूँ। फ्रिज, अब्दुल, कॉलेज, फिर वो वार्डन, वाइट कपड़ा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किससे रिलेट करके कह रहा हूँ। लेकिन जो भी है, ये वाला ठीक ठाक था, 10 में से मैं 7 दे दूंगा, अच्छा है, मस्त था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, देन गुड बाय। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, कर दो तो।